हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फ्री फायर में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो ये ट्रिक्स शायद कुछ लोगों को पता होगी और कुछ को नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी पहली टिप ये है कि व्हीकल से कैसे बचा जाए। मैंने देखा है कई प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स होते हैं जो कई एनिमियों को मार देते हैं, पर वो व्हीकल्स के कारण हार जाते हैं, गेम में मर जाते हैं। तो मैं वही बताने जा रहा हूँ कि व्हीकल्स से कैसे बचा जाए। जैसे आपको किसी गाड़ी की आवाज़ आए, वैसे आप अपने हाथ में ग्लू वॉल निकाल लीजिए। जो फ्री फायर में अभी नए नए प्लेयर्स आए हैं उनको मैं बता दूँ, ग्लू वॉल एक सफ़ेद कलर का बम होता है, उसको हाथ में लीजिए। जैसे ही गाड़ी आपके करीब आए, वैसे आप उस गाड़ी के सामने उस ग्लू वॉल को थ्रो कर दीजिए। आप देखेंगे कि गाड़ी रुक जाएगी या फिर दीवार टूट भी जाएगी, पर आप तक वो गाड़ी नहीं पहुंचेगी। और जैसे ही वो उसमें से उतरे या फिर गाड़ी में ही हो, तो आप उसमें फायरिंग करनी शुरू कर दीजिए। तो मेरी दूसरी टिप ये है कि जब भी आप किसी एनिमी को मारें या फिर मशरूम खा रहे हो या अपना आर्मर अपग्रेड कर रहे हो, तो एक जगह खड़े ना रहें, हिलते रहें, क्योंकि उस समय आपको कोई टारगेट भी कर सकता है और आपका हेडशॉट ले सकता है। अगर आप खिलते रहेंगे तो आपका वो हेडशॉट सही से नहीं ले पाएगा, जिससे आपको ज़्यादा डैमेज नहीं होगा और आप बच जाएंगे। मेरी तीसरी टिप फ्री फायर के नए प्लेयर्स के लिए है, वो जब भी किसी एनिमी को नज़दीक से शूट करें तो हमेशा शॉटगन या फिर MP40 का इस्तेमाल करें। वैसे जब आप मीडियम रेंज पे एनिमी को शूट करें तो आप किसी भी असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल कर सकते हैं, असॉल्ट राइफल जिसमें ARM इस्तेमाल होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका निशाना बहुत अच्छा है और आप हमेशा हेडशॉट मारते हैं, तो आप स्नाइपर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उसमें एयर टैक्स होता है और आप हेडशॉट आसानी से ले सकते हो। और आप जब भी किसी एनिमी को मारें तो अपनी गन को हमेशा रीलोड करें। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी।